क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक, ललन टॉप, लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम मयंक है, प्यार से लोग मुझे BBR कहते हैं, यानी बड़े भैया रॉक्स। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले आपसे पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में बहुत सिंपल सा मैं टॉपिक लिया हूं। एक जगह से NDA में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इवन NDA की वो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहां 12th की मैथ का सिलेबस है, वहां पे एक टॉपिक ऐसा है जो किसी टॉपिक का सब टॉपिक है, पर वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और हमेशा बच्चा कहता है सर इस कंसेप्ट में दिक्कत है, उस कंसेप्ट में दिक्कत है। तो मैंने सोचा छोटा सा प्यारा सा वीडियो बना दूं सिर्फ उस कंसेप्ट के ऊपर, जिससे कि वहां की कोई दिक्कत आपके दिमाग में ना रह जाए। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग आज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, साथ में उसके ऊपर जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो डिस्कस करेंगे। थोड़े से आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, और हां साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज, टेलीग्राम पे आज ही इस वीडियो के साथ साथ मैंने एक PDF अपलोड कर दी है, जिसमें उस टॉपिक से जुड़े हुए, इस टॉपिक से जुड़े हुए लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को, छोटा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, इस वीडियो को आपको पूरा अभी का अभी देखना है, और अभी के अभी तुरंत ही जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल MGS डिफेंस एकेडमी पे। वहां पे मैं एक PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं पड़ेगा उसका। आप उस PDF को खोलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कमेंट में आके बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। आर यू गाइस रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, एक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, और इसको मैं ऑलरेडी बहुत वक्त पढ़ा चुका हूं, बट आज सिर्फ सब टॉपिक लगे इसलिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। जो बच्चा बोलता है ना कि मैथ्स वीक है, अरे बेटा तुम्हें मैथ्स सही से पढ़ा नहीं किसी से, इसलिए वीक लग रहे हो। आज मैं पढ़ाऊंगा, समझ में सब आएगा तुम्हें, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं करू, यानी क्यूब रूट। कंसेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जस्ट अमन बेटा, हाँ अभी ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट है भाई साहब, मजा आ जाएगा समझने में। वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, वीडियो वैसे ही छोटा बना रहा हूं, टू द पॉइंट बात करूंगा, समझ में सब आएगा। ठीक है, कंसेप्ट आज कॉपी में लिख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आइए डिस्कस करते हैं। अगर आपको पढ़ा पता भी है ना, फिर भी नोट करिएगा बच्चा। ठीक है, तो जेड बराबर 1 की पावर 1/3, इसे बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 का क्यूब रूट। दोनों तरफ क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले क्यूब करते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा। हाँ, दोनों को हम एक तरफ ले जाएं, हाँ तो ये आ जाएगा। हाँ, 1 को लिख ले हम 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में स्प्लिट कर दें, तो ए माइनस बी, हाँ, और ए स्क्वायर, हाँ, प्लस बी स्क्वायर, हाँ, प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अरे यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला आता है ना, वही यूज किया है भैया। देखा क्या आपने, आपने देखा कि जेड माइनस 1 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो जेड बराबर आ जाएगा 1, और साथ ही साथ अगर हम जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इसको 0 के बराबर करते हैं तो जेड बराबर आ जाएगा 2 वैल्यू, माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाय 2 ये आएगा, और माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाय 2। अब जिन्हें ये आई पहली बार देख रहे हैं बिल्कुल चिंता मत करिए बेटा, आई जो होता है उसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर माइनस 1। अगर आपको ये चीज नहीं पता बेटा तो आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। तो क्या समझा हमने अब तक, जेड क्यूब बराबर 1, दोनों को एक तरफ ले गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बार आपने इसको इक्वल जीरो किया और एक बार आपने इसको इक्वल जीरो किया, इसको किया तो आ गया जेड इक्वल टू 1, और इसको किया तो चाहे श्रीधराचार्य रूल लगाइए चाहे कुछ भी करिए, इसके फैक्टर किया तो जेड बराबर आया माइनस 1 प्लस रूट 3 बाय 2। ये आई क्या होता है, आई होता है रूट माइनस 1। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये तीन चीज समझ में आ गई कि जेड के क्यूब रूट के 3 रूट्स आए, पहला रूट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यार पता है जो मैथमेटिशियन होते हैं ना, बहुत ही मक्कार किस्म के लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा यार इतना बड़ा बोलने में मुंह फट जाएगा, इसीलिए इसको नाम दे दिया ओमेगा और इसको बोल दिया ओमेगा स्क्वायर, इसे बोल दिया ओमेगा और इसे बोल दिया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये 1, तो मतलब सर कहना क्या चाहते हो ये बताओ। तो बेटा हम कहना ये चाहते हैं कि हमने फिर कंक्लूजन तुरंत ड्रॉ कर दिया, हमने क्या कंक्लूजन कर दिया कि बेटा z बराबर 1 की पावर 1/3, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका
रूट्स क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब तुमको तो पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तुमको पता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पता है ना, तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इनसे जुड़ी हुई दो रिजल्ट, बेटा कितने कितने, बस दो रिजल्ट बता रहा हूं, यही नोट करना और यही काम आता है, मजा आएगा देखकर। पहला वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है बेटा जीरो, और दूसरा ओमेगा क्यूब ये होता है इक्वल टू वन। ये दो रिजल्ट हैं आपके जो आपको याद करने हैं, पहला वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और दूसरा ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। ये दो रिजल्ट बेटा आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इस पर क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकता है, पर इनको याद कर लिया, मैं मान के चल रहा हूं आपने इतना याद कर लिया। अब समझिए बेटा, मैंने लिखा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं वो समझो, यूजेज बेटा, कहीं अगर आपको लिखा दिख जाए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, आप क्या लिख दोगे, सर माइनस ओमेगा, भाई इसको उधर लिख दिया, वेरी गुड। कहीं लिखा मिल जाए वन प्लस ओमेगा, क्या लिख दोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहीं लिखा मिल जाए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे, माइनस वन। ये तीन चीजें आप, ये यूजेज है, ये क्या है, यूजेज है इन्हीं का, इनको इधर फेंका, इनको इधर फेंका। अच्छा अब जैसे ओमेगा क्यूब वन है, तो ओमेगा क्यूब वन है, हाँ है। ओमेगा सिक्स, हाँ वन होगा। ओमेगा नाइन, हाँ वन होगा। ओमेगा 12, हाँ वन होगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि ओमेगा की पावर, जस्ट अ मिनट, तनिक इसको दे जरा, कहने का मतलब ये है कि कोई भी ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 ही होगी। ओमेगा की पावर कोई भी 3 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। ओमेगा की पावर कोई भी 3 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। ये रिजल्ट आपको एकदम दिमाग में रखना है, मतलब ओमेगा की पावर 3, 1, 6, 1, 9, 1, 12, 1, 6, 15, 1, 21, कुछ भी हो 1, क्लियर हो गई बात, हाँ। अब इतनी सी बात पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो एक जनरल रिजल्ट भी साथ में लिख लेना बेटा, बहुत काम आता है जनरल। वो क्या बेटा, कि ओमेगा की पावर के प्लस ओमेगा की पावर 2 के इज इक्वल टू, बेटा पता है दो बातें समझो, दो बातें, वो जो दो रिजल्ट थे उनको मर्ज कर दो। अब अगर मान लो के जो है, मान लो जो के है वो 3 का मल्टीपल है, वो 3 का मल्टीपल है, मतलब यहां भी 3 यहां भी 3, तब यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा, तो आ जाएगा 2, है ना। पर अगर ये मान लो के 3 का मल्टीपल नहीं है, अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तब क्या होगा, तो इसकी वैल्यू होगी हमेशा माइनस वन। क्या होगी हमेशा, माइनस वन। जैसे मान लो वन ले लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है। तो ये रिजल्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कायदे से चिपका के रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात, हाँ। अगर इसी के साथ कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं, जैसे जेड बराबर वन की पावर 1/3, तो मैंने आपसे कहा इसके रूट्स क्या होंगे, तो आपने कहा सर वन होंगे, ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। उसी तरह अगर z बराबर -1 की पावर 1/3 कर दूं, तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स क्या होंगे, -1 -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये भी नोट कर लिया साथ में कि अगर -1 1 क्यों होता तो ये होता। साथ में एक बार क्वेश्चन आया था z क्यूब +8 इक्वल टू जीरो, ये एक क्वेश्चन था, कैसे करेंगे इसको, z क्यूब बराबर क्या आ गया, -8 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आ गया। z बराबर क्या आ गया फिर बताओ जरा, 2 और -1 का क्यूब रूट, और -1 का क्यूब रूट ये आ गया 2, चलो -2 ले लो, नहीं 2 ले लिया, 8 का क्यूब रूट 2 और -1 का क्यूब रूट ये ले दिया। अब -1 का क्यूब रूट क्या आता है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गए आपके रूट्स, किसके रूट्स आ गए, ये आ गए आपके इसके रूट्स, ठीक है। ये एक अलग चीज है, अलग चीज है, अनोखी चीज है, इसको जरूर नोट कर लेना, कर लिया नोट, चलो वेरी गुड।
वेरी गुड। देखो भाई, ये सब टॉपिक करने का इरादा मैंने इसीलिए था बता, क्योंकि एक वीडियो में बच्चे ने कमेंट किया था, वही राहुल जिसके बारे में मैंने कल बात किया था, कि सर ये वाला कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज और है। तो मैंने कहा ना, मैं उससे बहुत इंप्रेस हो गया हूँ पर्सनल लेवल पर, इसीलिए मैं उसको उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ वाला। एक क्वेश्चन मेरा आपसे बेटा, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं इस ग्रुप में, ज्यादा तो नहीं होंगे पर थोड़े बहुत होंगे, हाँ, इस क्वेश्चन के रूट्स क्या क्या होंगे ये आपको सॉल्व करना। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान नहीं है, पर कर सकते हो आप, ये मेरा भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहां तक कहानी क्लियर हो गई। एक और जरूरी बात, अगर कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर द्वारा रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं, तो वो हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है, ये बात याद रखना, ठीक है, खत्म, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब जैसे कोई भी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बट क्वेश्चंस कुछ सिंपल सिंपल मैं करा देता हूं। जैसे मान लीजिए ओमेगा पावर दे दिया गया है 3, 5, 4, 9, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपने क्या किया, इसको जोड़ा, सम ऑफ डिजिट किया, वो 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है? 9, 4, 13, 13, 5, 18, 18, 3, 21, 18 + 3, 21, 21 3 का मल्टीपल है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, जैसे एक बार क्वेश्चन आया कि x बराबर a प्लस बी, y बराबर a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, और z बराबर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। तो आपसे पूछा गया था x, y, z की वैल्यू क्या है, ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, जो ऑप्शन दिए थे वो ABC a और b में दिए थे, ऐसे क्वेश्चन कैसे करना चाहिए? कुछ ना करो, जहाँ a और b है वहाँ 1 ले लो, तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया -1, कैसे -1 कैसे हो गया भाई? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1, तीनों मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2 आ गया। जिस ऑप्शन में ए बी की जगह पे 1, 1 रखने पर 2 आ रहा हो, वही हमारा आंसर है। हो सकता है ऑप्शन क्लैश कर जाए, तो 2 ले लेना, जब 2 लोगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -2 होगा, 4 × 16, तब 16 आएगा, तब क्या आएगा 16 आएगा। तो ऐसे करके चेक कर लेना। नाउ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इतना छोटा सा कंसेप्ट, क्वेश्चन बहुत प्रकार समझ सकते हैं। आज एक बस मैं टेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को अपलोड करके, इस वीडियो के साथ मैं फिर बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल है MJS डिफेंस एकेडमी, इसी नाम से इंस्टाग्राम पेज भी है और टेलीग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, आप सब जगह फॉलो कर सकते हैं हम लोग को। MJS डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जो मैंने आज पढ़ाया इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भेजूंगा, आपको उसे सॉल्व करना है, और जब सॉल्व कर लेना, कितने सॉल्व हुए कमेंट में जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मुझे ये देखना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, और अगर आपने सही बताया तो वेरी गुड, नहीं बताया तो ग्रो अप। और उन क्वेश्चंस का मैं ऐसा करूंगा कि वीडियो सॉल्यूशन का वो कल अपलोड करवा दूंगा, तो इससे आपको ये हो जाएगा, आपने कैसे पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, लग गया तो वेरी गुड, नहीं लगा तो, और उसका सोल्यूशन मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से गाड़ी हम लोग की चलेगी, छोटा सा कंसेप्ट, उससे जुड़े हुए असाइनमेंट वो आप सॉल्व करोगे और अगले दिन उसका सोल्यूशन। आई होप ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए।